नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 मानव संसाधन। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं लोगों को या मानव जाति को मानव संसाधन माना जाता है। संसाधन यानी कि जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और मानव जाति भी अपनी आवश्यकताओं तथा योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करती है, इसलिए यह मानव संसाधन कहलाती है। आइए, इस अध्याय के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि मानव जाति किस प्रकार संसाधन कहलाती है। बच्चों, मानव संसाधन के अंतर्गत हम जानते हैं जनसंख्या वितरण के बारे में। भूमि पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या भूमि के लगभग 30% भाग पर रहती है। विश्व में जनसंख्या असमान रूप से फैली हुई है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। बच्चों, इस धरती पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कुछ क्षेत्र धरती के ऐसे हैं जहां लोगों की संख्या कम है। बच्चों, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। बच्चों, जनसंख्या वितरण के बाद मानव संसाधन के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व भी है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बच्चों, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत में 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति रहते हैं। बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक भी हैं, जैसे भौगोलिक कारक के अंतर्गत स्थलाकृति कारक भी है। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। बच्चों, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, पर्वतों से ज़्यादा लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ सभी तरह की सुविधा उनको आसानी से मिल जाती है। भौगोलिक कारक के अंतर्गत जलवायु भी आती है। बच्चों, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी हो, ऐसी जलवायु में रहने से बचते हैं। जैसे कि सहारा का मरुस्थल अत्यधिक गर्म होता है, अंटार्कटिक जहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, ऐसी जगहों पर रहना लोग कम पसंद करते हैं। सामान्य जलवायु में रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों, भौगोलिक कारक के अंतर्गत मृदा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। बच्चों, अगला है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल
आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। बच्चों, यह चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे नदी है। नदी में स्वच्छ जल होता है, जिसके कारण लोगों के बहुत से काम आसान हो जाते हैं। अगला है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, जहां खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहां आजकल लोग रहना पसंद करने लगे हैं। यहां आप चित्र में देख रहे हैं, खनिज की बहुत सी खदानें हैं, यह कोयले की खदानें हैं। बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक भी शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। बड़े बड़े शहरों में आप लोगों ने देखा है, आजकल लोग गांव छोड़कर बड़े शहरों में रोजगार के अवसर के लिए जाते हैं। बच्चों, सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। ऐसे धार्मिक स्थानों में भी लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सामाजिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। बच्चों, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, ऐसे शहरों में या ऐसी जगहों में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ सभी तरह की सुविधा उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। बच्चों, अब हम मानव संसाधन के अंतर्गत जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन को। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही, यह कई गुना बढ़ गई है। प्राचीन काल में बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि उस समय उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए बच्चों पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं होता था। किसान सभी लोगों के भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण प्राचीन काल में जनसंख्या वृद्धि कम थी, किंतु खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु अब कम हो गई है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होने लगी है। बच्चों, विश्व में जन्मों को जन्म दर तथा मृत्यु को मृत्यु दर में मापा जाता है। प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। बच्चों, मानव संसाधन में जनसंख्या संगठन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। बच्चों, किस देश में लोगों की क्या विशेषता है, किस तरीके के लोग होते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब प्रत्येक देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन
हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। बच्चों, एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है किसी देश की कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। बच्चों, यह चित्र जनसंख्या पिरामिड का है। इस तरीके से किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में या लोगों के बारे में पता लगाया जा सकता है। बच्चों, इस पिरामिड में आप देख रहे हैं, एक तरफ जो बैगनी कलर का है यह पुरुषों की संख्या प्रतिशत में दर्शाता है और एक तरफ जो नारंगी रंग का है यह स्त्रियों की जनसंख्या को दर्शाता है। अच्छा बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मानव संसाधन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारियाँ मिल गई होंगी। मानव संसाधन से जुड़े कुछ मैं आप लोगों को गृह कार्य के प्रश्न दे रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। प्रश्न एक, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? प्रश्न दो, जनसंख्या पिरामिड क्या है? प्रश्न तीन, विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारण क्या है? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अभिभावकों या मित्रों की सहायता से भी पता करके लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।